फिरोजाबाद में बीते दिनों छत से गिरकर हुई व्यापारी आशीष जैन की मौत के बाद आज फिरोजाबाद में अग्रवाल समाज के लोगों के साथ साथ व्यापारियों ने घंटाघर से लेकर विवेकानंद चौक तक कैंडल मार्च निकालकर आशीष जैन को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं समाज सेवी अभिषेक मित्तल ने फिरोजाबाद नगर निगम से गुहार लगाई कि उनके द्वारा जो बंदरों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको निरंतर 15 से 20 दिन तक चलाएं और शहर के सभी बंदरों को रेस्क्यू कर एक सुरक्षित वन क्षेत्र में भेज दिया जाए ताकि आगे से बंदरों की वजह से किसी की जान न जाए। श्रद्धांजलि की एक मोमबत्ती कैंडल यात्रा रखी गई थी और ये अपने घंटाघर से लेकर विवेकानंद चौक तक ये यात्रा रखी गई थी। बहुत एक दुखद घटना भी प्रयाग में कल होके चुकी है। एक बहुत ही समाज के व्यक्ति जो बहुत सामाजिक कार्यों में जिनका सीधा सीधा योगदान रहता है, मेरे साथ भी उन्होंने गुरुकुल जो मैं स्कूल चलाता हूँ उसमें उनका बहुत सहयोग रहता था, तो श्री आशीष अग्रवाल जैन जी हैं और उनको सवेरे वो पक्षियों को दाना डालने अपने घर की छत पर गए थे लेकिन वहाँ पर बंदरों का झुंड आया और उनको किसी भी कारण से वो दूसरे की छत पर गिर गए जिससे उनके सिर पर चोट आने के कारण उनका निधन हो गया। तो ये जो ऐसी घटना हुई तो इससे पूरे समाज जो अग्रवाल समाज है पूरा फिरोजाबाद जो शहर है बहुत शोक संतप्त है। इसी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो नगर निगम इससे उसको जानकारी अर्जित करें कि ऐसी घटना क्यों हुई, किस कारण से हुई और बंदरों पर अंकुश लगाने का काम करें जिससे आज से कहते हैं जी। वैसे आज नगर निगम ने इस बाबत एक कार्यक्रम भी किया है और नगर निगम मेरी जानकारी में आया कि नगर निगम ने आज से बंदर पकड़ने का अभियान चालू किया है लेकिन यदि इसकी निरंतरता नहीं रही, यदि उन्होंने सोचा कि चलो आज घटना हो गई है एक दो दिन इस अभियान को चालू कर लेते हैं और एक दो दिन बाद जब ये बात ठंडी हो जाएगी फिर वो अभियान को खत्म कर देंगे, बेहतर होगा इस अभियान को कम से कम 15 से 20 दिन तक चलाएं। ऐसा एक मोहल्ला नहीं है, ऐसे अनेकों मोहल्ले हैं, दुर्गा नगर क्षेत्र हो गया। मैंने जब ये घटना हुई थी उसके तुरंत बाद मैंने एक पोस्ट डाली थी तो उस पर विभिन्न मोहल्लों से बहुत लोगों ने रिप्लाई किया, जैसे इंदिरा कॉलोनी हो गया, लोहिया नगर हो गया, सरस्वती नगर हो गया, हनुमानगंज हो गया, हनुमान रोड हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, इन सभी क्षेत्रों के रहने वालों ने ये वाली बात कही कि हमारे क्षेत्रों में बंदर है और गली से घर से निकलना दूभर हो गया है, घर हम अपने घर की छतों पर नहीं जा सकते। ऐसी परिस्थिति में जरूरत है नगर निगम एक विशेष बड़ा अभियान चलाए और बंदरों को पकड़कर वन्य क्षेत्रों में छोड़े।